दोस्तों करेंट हमारे दैनिक जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर उससे सावधानी नहीं बरती जाए। इमेजिन कीजिए आप कोई मशीन को चला रहे हैं, अगर उसमें एकाएक करेंट आ जाए तो आप क्या कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। आज मैं बताने वाला हूँ अगर आप लघु उद्योग का कोई मशीन लगाए हुए हैं अथवा वो पेपर प्लेट का हो, एनीवे कोई मशीन हो, अगर उसमें करेंट से किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर लघु उद्योग का जो पेपर प्लेट मशीन आता है ये अगर आप लगाए हुए हैं या लगाना चाहते हैं, तो अगर पेपर प्लेट मशीन आप लगाए हुए हैं तो आप जानते ही हैं कि उसमें डाई के साथ हीटर ऐड रहता है और हीटर जो है कभी भी शॉर्ट कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। अब अगर कोई भी कंपनी अगर बोल रहा है कि हीटर शॉर्ट नहीं करता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। हीटर कभी भी शॉर्ट कर सकता है और आपके मशीन में करेंट आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपना मशीन किसी लेबर से चलवा रहे हैं या खुद ऑपरेट कर रहे हैं तो इन सावधानियों को बतानी होगी कि करेंट से बचने के लिए आप क्या करेंगे। पेपर प्लेट में करेंट जाती कैसे, तो सिंगल फेज का उसमें मोटर लगा हुआ रहता है और हीटर उसमें एक नीचे डाई में हीटर लगा हुआ, एक ऊपर डाई में हीटर लगा हुआ रहता है जो हीटर को गर्म करके पत्ता का डिजाइन जो है बनाता है। अब बात करें कि उसमें करेंट कैसे आ जाता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब मशीन में उनका करेंट आ जाता है, तो करेंट जो है हीटर शॉर्ट करने के बाद आता है। मशीन में करेंट आता है तो ये हम लोगों को पता कैसे चलेगा, इसके लिए जो है ये आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा डिवाइस है जो आप मशीन में लगाने के बाद अगर उसमें अगर जो पेपर का रोल पेपर होता है उसका फिल्म में भी अगर थोड़ा सा अगर करेंट आ जाएगा तो ये जो है आपको अलर्ट कर देगी। अगर आप लेबर से काम करवा रहे हैं अथवा आप खुद कर रहे हैं तो करेंट आने के बाद जो है आपको अलर्ट कर देगी, तो आप जो है सचेत हो जाइएगा और बिजली को आप हीटर को चेंज कर सकते हैं, तो इससे होगा कि आप करेंट के झटका से बच सकते हैं। तो ये जो है ये डिवाइजर जो आप अपना मशीन में लगवा सकते हैं, मैं जिस कंपनी का बात करने वाला हूँ वीडियो स्क्रीन के वीडियो के अंत में मैं उस कंपनी का नंबर दूंगा जहाँ से आप कोई भी लघु उद्योग का मशीन अगर परचेज करते हैं तो उस मशीन में आपको करेंट अलर्ट डिवाइस लगा के दिया जाएगा जो कि आप बेफिक्र उस मशीन को आप चला सकते हैं। अगर उसमें करेंट जैसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अलार्म के द्वारा वो मशीन अलर्ट कर देती है। अब बात आती है कि आप अगर यहाँ से मशीन परचेज नहीं किए हैं, कहीं अलग से कोई भी लघु उद्योग की मशीन परचेज किए हैं, उसमें अगर करेंट आ जाता है तो आप ये जो अलर्ट है डिवाइस है आप लगवा सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप जो है ये डिवाइस लगवा सकते हैं। और मशीन में अगर किसी भी प्रकार का फॉल्ट है, चाहे वो लघु उद्योग का कोई भी मशीन हो, अगर वो किसी प्रॉब्लम से अगर बंद पड़ा हुआ है तो आप उसका पार्ट्स या टेक्नीशियन जो है इस कंपनी से बुलवा सकते हैं, उचित भाड़ा और खर्चा पे वो आपका मशीन जो है फुल इंस्टॉल कर देगा और आपको ट्रेनिंग भी दे देगा। दोस्तों ये डिवाइस काम कैसे करती है, तो जैसे कि आप अगर कोई भी मशीन अगर चला रहे हैं जैसे पेपर प्लेट का, वो सिंगल डाई हो या डबल डाई हो, कोई भी मशीन हो उसे आप चला रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा भी अगर हीटर शॉर्ट कर गया, किसी तरह का फॉल्ट आ गया तो ये जो है आपको अलर्ट कर देगी, तो आप जो है इससे सचेत हो जाएगा और करेंट से आप बच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि ये स्टोन हीटर और नॉर्मल हीटर में क्या अंतर है, ये हीटर क्या होता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वीडियो लिंक, जहाँ से आप इस दोनों हीटर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।